भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। यहीं से शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की असली राजनीतिक दौड़, जो देखते ही देखते भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर आज सबके सामने है। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। इस लिहाज से देश की आबादी के करीब 13% लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मौजूदा समय में भाजपा की 11 राज्यों में सरकार है और भाजपा का दावा है कि आने वाले समय में वो देश के अन्य राज्यों में जनता से समर्थन पाकर सरकार का गठन करेंगे। वहीं 5 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ भाजपा सरकार में है। आज भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। भाजपा के आंकड़े कहते हैं कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भाजपा में शामिल सदस्यों की संख्या करीब 6 करोड़ थी, लेकिन आज 2023 में महज पिछले 9 सालों में भाजपा 12 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जनसंघ के नए रूप यानी भारतीय जनता पार्टी को सबके सामने प्रस्तुत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के इस शंखनाद के बाद पार्टी ने बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। 7 महीने बाद जब मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ तो कार्यकर्ताओं की गर्मजोशी से साफ पता चल रहा था कि भाजपा अब एक लंबी राजनीतिक दौड़ के लिए तैयार है। इस अधिवेशन के लिए भव्य तैयारी की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे वो भी फीकी पड़ गई। तब विरोधी दल के नेताओं को ये साफ लगने लगा था कि अटल आडवाणी की ये सेना अब पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं है। बीजेपी को पहले आम चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में पार्टी 303 सीटों तक पहुंच गई। भाजपा का दावा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 400 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। भाजपा को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1991 में रखी थी। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद भारतीय जनसंघ का कई दलों के साथ विलय हो गया और जनता पार्टी बनी। बाद में जनता पार्टी से जनसंघ अलग हो गया और उसका एक नया नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। भारतीय जनता पार्टी 1984 में पहली बार कमल के फूल के निशान के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा को केवल 2 सीटें ही मिली थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया था कि आज 2 सांसदों की पार्टी एक दिन 400 सांसदों की पार्टी बनेगी, जो अब सही साबित होता दिख रहा है। इसके बाद भाजपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई। 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भाजपा का नया दौर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के प्रचार और अब की बार मोदी सरकार के स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा ने 2014 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता और भाजपा को अकेले 282 सीटें मिली। छोटे 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 बच्चों की वीडियो लगे हुए आजकल यूट्यूब पर, छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार। उसके बाद मोदी सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास की नीति से किए गए कामों ने भी सभी का दिल जीता और भाजपा ने 2019 में अकेले 300 से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया।
देश ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब भाजपा आने वाले 2024 के चुनावों की तैयारियों में आगे बढ़ रही है। बीजेपी का दावा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।